शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी शुक्रवार के दिन का एक विशेष उपाय बताते हैं। अगर आप हमेशा किसी न किसी रोग दोष से प्रभावित रहते हैं या अपने रिश्तेदार के लिए भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से कीजिएगा। कल क्योंकि सिद्ध योग बनने जा रहा है, शिव योग जिसे कहा जाता है, और साथ ही अमावस्या की तिथि है, तो यह मंत्र, यह उपाय तत्काल फलित होगा। ऐसे में आप सभी को क्या करना है ध्यान से सुनिए। आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी, शाम के समय में भी, कभी भी कर सकते हैं। क्या करना है, आप सभी को एक घी का दीपक बेलपत्री वृक्ष के नीचे समर्पित करना है, और आपको ऐसा पेड़ चुनना है, यह नहीं कि गमले में ही कर दे, जिसकी छाया आपके ऊपर पड़ती है। अगर आपको भी कोई रोग दोष हो तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अगर आपके रिश्तेदार हैं या घर परिवार के हैं तो उनका भी स्मरण करते हुए आप यह कार्य कर सकते हैं। एक घी का दीपक लगाना है आप सभी को, उसके बाद जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। एक माला कर सके या 11 माला या 11 बार, गुरुदेव कहते हैं 11 बार, परंतु 11 बार चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप एक माला करें तो काफ़ी उत्तम होगा। इसके साथ ही गुरुदेव कहते हैं आपको इस तरह से प्रार्थना करनी है कि हे देवाधिदेव महादेव, यह शरीर आपने दिया है, इस शरीर के सभी रोग हरने का कार्य आपको है, आपने जिस प्रकार से शुक्रदेव को यह संजीवनी मंत्र दिया है, आप मेरे भी इस संजीवनी मंत्र की पुकार को सुनिए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। इस तरह से एक छोटा सा कार्य आपके रोग दोष, कई तरह की ब्लड प्रेशर, कैंसर तक की दवाई गुरुदेव बताते हैं इस उपाय को करने से 100% ठीक होती है। वाकई में होता है, कोई भी उपाय करें उससे पहले उस कार्य में विश्वास रखें कि यह सिद्ध होगा। गुरुदेव के उपाय सामान्य नहीं है, करके देखिएगा, लाभ अवश्य होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।